subscribe and press the bell icon to never miss a video from News. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं निहारिका शाहदेव। आज सीबीएसई क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर है और आज फिर से हम मौजूद हैं सीबीएसई बोर्ड सेंटर के बाहर ताकि आपको एग्ज़ाम्स की खबरों से रूबरू करा सके। तो चलिए जानते हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स कैसा रहा है। और बहुत अच्छा था, ईजी आया था, सेट वन था मेरा, तो होप है कि अच्छे मार्क्स आ जाए। मेरे फिजिक्स के जैसे सुनने में आ रहा है फिजिक्स के पेपर काफ़ी टफ थे, तो फिजिक्स से ईजी था केमिस्ट्री? नहीं, फिजिक्स का ठीक था, मेरे अकॉर्डिंग ठीक था, इतना टफ नहीं था। मतलब जैसे लास्ट ईयर आया था काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी आया था, बट इस बार इतना ट्रिकी नहीं आया था, ठीक आया था, एवरेज था। एनसीईआरटी से ही थे, कुछ थे एक दो लग रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है। एक्चुअली क्वेश्चन तो ईजी थे, सैम्पल पेपर में भी थे और सैम्पल पेपर सही थे और ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा टफ नहीं था। जैसे कंपेरेटिवली फिजिक्स से बहुत ईजी पेपर था और अगर मतलब किसी ने पढ़ा होगा तो नंबर तो आ ही जाएंगे। मतलब क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं कि मतलब इसके बारे में ये बताओ, उसके बारे में बताओ। तो नहीं, केमिस्ट्री के तो नहीं थे लेकिन फिजिक्स में थे, फिजिक्स में थे, केमिस्ट्री में नहीं छूटे, फिजिक्स में हाँ दो तीन छूट गए थे। केमिस्ट्री में 50-60 के बीच में, 85 out of 100। और आज के में सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। वो बी ब्लॉक में क्या था, क्या कंटेंट था, क्या सवाल थे? कॉन्सेप्चुअली आता उससे बस, और थोड़ी नहीं बस वही कॉन्सेप्चुअल था उसका। फॉर्मूलास वगैरह आते हैं ना जो फिर इक्वेशंस होती हैं उसमें, वो बैलेंस करके लिखनी होती है उसको, तो वो थोड़ा टफ था। पैटर्न चेंज हुए क्वेश्चंस में, बस लेवल थोड़ा आज डिफिकल्ट था। इट वाज गुड, द डिफिकल्टी लेवल वाजंट मच, सो या इट वाज गुड, इट वाज अ डीसेंट पेपर। क्वेश्चंस पिछले साल के मतलब फॉलो किए हुए हैं या फिर नए पैटर्न पे आया है क्वेश्चंस? पैटर्न ऑलमोस्ट वही है लेकिन हाँ नहीं, आई गेस इट वाज मच मोर सिमिलर। नहीं, शायद इतने टफ नहीं थे, पर हम पेपर बहुत लेंदी था तो छूट गया पेपर। केमिस्ट्री ज्यादा इजी था उसके बाद? Yeah. कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? Early 90s. Log table was not given. Like it was, we were told that log table will be not be provided. But they gave us. They did give us. So that was a good thing. No, but it should be mentioned in the paper. No. Yeah. So that was a little. No, chemistry was normal, like the typical paper. Chemistry इतना tricky नहीं था, like some were basic from NCERT. Tricky ज़्यादा नहीं था। जो पूरे साल pattern पढ़ा लेते हैं, मतलब out of syllabus से भी थे या फिर जितने पढ़ाए गए पूरे साल सिलेबस में? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस से नहीं था इतना। तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? 50-60s या। तो स्टूडेंट्स ने बताया कि उनका केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी आसान रहा, फिजिक्स के कंपैरिजन में काफ़ी इजी था केमिस्ट्री का पेपर। और बात है ही फिजिक्स पेपर को लेकर ऑनलाइन पिटीशन फाइल करने की, तो इस पर भी स्टूडेंट्स के मिली जुली राय थी। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें न्यूज़।